subscribe to our channel now and press the bell icon and never miss any updates. आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता, जिसके लिए मैंने लिए हैं 250 ग्राम के दो बैंगन मीडियम साइज़ के, 5 टमाटर, 5 छोटी प्याज, 5-6 हरी मिर्ची और 5-6 ही हरी मिर्ची जो कि लाल हो जाती है वह लिए, और 8-10 लिए मैंने छोटी कली लहसुन की और थोड़ी सी लिए मैंने अदरक की गांठ। लाल मिर्ची इसलिए लिए कि इससे जो ग्रेवी में कलर आता है वो बहुत ही सुंदर आता है। साथ में जो हम लाल मिर्च का पाउडर यूज़ करेंगे वो हम कम यूज़ करेंगे। अब हम बैंगन को तेल लगाएंगे, और भूनने के लिए ओवन में रखेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए बैंगन को भूनने के लिए ओवन में रख देंगे। बैंगन भूनते हम टमाटर की ग्रेवी तैयार करते हैं। ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने टमाटर, प्याज, मिर्ची, अदरक, लहसुन सब इसमें काट लिए हैं और एक छोटी प्याज को मैंने बारीक चॉपिंग कर लिए ताकि वो तड़के के अंदर काम आ सके। बैंगन को हम बीच बीच में पलट कर चेक करते जाएंगे ताकि जले भी नहीं और अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। अब जब तक बैंगन हमारे भूनते हैं तब तक हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। 2 छोटी चम्मच मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, आप कोई सा भी रिफाइंड ऑयल जो आप खाते हैं काम में ले सकते हैं। तेल गरम होने पर थोड़ा सा इसमें जीरा डाला, और जीरा भुनने के बाद हम इसमें डालते हैं अपने टमाटर की प्यूरी। और साथ में डालते हैं 1 छोटी चम्मच नमक ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। गैस को हम मीडियम फ्लेम पर कर देते हैं। और ढककर इसको 5-6 मिनट के लिए पकाते हैं। बैंगन चेक कर लेते हैं। बैंगन हमारे बिल्कुल तैयार है। गैस बंद कर देते हैं और बैंगन को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। बैंगन लेते समय हमें एक बात का और ध्यान रखना होता है कि बैंगन हर तरफ से बिल्कुल फ्रेश हो, कहीं कोई छेद ना हो, ताकि हमें ये रहे कि हमारे बैंगन बिल्कुल अच्छा है। क्योंकि भुनने के बाद अंदर अगर बैंगन में कीड़े भी होंगे तो हमें पता नहीं लगेगा, तो हमें पहले से ही बैंगन बिल्कुल साफ और अच्छे फ्रेश लेने चाहिए। बैंगन थोड़े ठंडे हो गए, अब इसके ऊपर से काटते हुए छिलकों को हटा लें। बैंगन का छिलका हटा दिया है, तेल लगाने से बड़ी आसानी से उतर जाते हैं। अब हम बैंगन के बीज जो मोटे मोटे हमें दिखाई दे रहे हैं वो बीज हमको निकाल के अलग करने हैं, क्योंकि बैंगन के बीज काफ़ी टाइम तक पचते नहीं हैं और किसी किसी को नुकसान भी करते हैं, इसलिए हम उसमें से बीज को साफ कर देंगे।
इसमें से जितने भी बीज हो सकते थे हर संभव बीज बाहर कर दिए और जो गूदा बचा उसको अच्छी तरह से हाथ से मैश कर लिया। बैंगन को हम सीधे गैस पे भी भून सकते थे गैस की लौ पर, लेकिन जैसा ये बैंगन अंदर तक भुना है गैस की लौ से भुनने पर सिर्फ छिलका हट जाता है लेकिन अंदर तक बैंगन की भुनाई नहीं होती। अब इसको अच्छी तरह से मैश कर दिया। अब देखते हैं हमारी ग्रेवी भी तैयार हो गई होगी। ग्रेवी चेक कर लेते हैं। ग्रेवी हमारी पक के तैयार हो गई है, ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें हम अपना मैश किया हुआ बैंगन डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और डालेंगे इसमें मसाले। आधी चम्मच हल्दी, डेढ़ चम्मच के करीब धनिया पाउडर, और एक छोटी चम्मच नमक, क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके हैं टमाटर में। अच्छी तरह मिक्स करके और इसको हम 5-7 मिनट के लिए पकने को रखेंगे, ढक देंगे। हमारे बैंगन पकते हैं तब तक हम उसका तड़का तैयार करते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें देसी घी लिया है। देसी घी का तड़का लगाने से सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है और उसकी महक अच्छी हो जाती है। इसमें डालेंगे हम बारीक कटी हुई प्याज, और प्याज को थोड़ा गुलाबी होने तक भूनेंगे। प्याज गुलाबी हो गई है, गैस कर देंगे बंद और इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच मिर्ची, क्योंकि मिर्ची हम पहले ही उसमें हरी मिर्ची और लाल मिर्ची डाल चुके हैं, ज़्यादा तीखा ना हो इसलिए अब हम थोड़ी सी मिर्ची का यूज़ करेंगे। और ये तड़का हम अपनी सब्जी में लगा लेंगे। सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। बैंगन का हल्का सा भी अगर कसैलापन रहता है तो कम पसंद आता है। उस कसैलेपन को दूर करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ दूध की फ्रेश क्रीम। जो इसके स्वाद को और कलर को दोनों को ही सुंदर बना दे। और लीजिए तैयार है हमारा बैंगन का भरता।